तो दोस्तों कई बार क्या होता है कि हम है ना पिक्सल लेवल के कंट्रोलर को लेके बहुत सारे कंफ्यूज हो रहे थे हम लोग, क्योंकि कंट्रोलर बहुत सारे मार्केट में और ठीक से हमको पता भी नहीं होता है कि भाई कौन सा कंट्रोलर कहाँ पे काम आएगा और कौन सा कंट्रोलर अच्छा रहेगा। तो दोस्तों आज मैं दो कंट्रोलर को कंपेयर करने वाला हूँ, जिसका नाम है SP107E और दूसरा है SP108E। ठीक है, ये दो जो कंट्रोलर है उसको मैं कंपेयर करके बताने वाला हूँ कि इन दोनों में से आपको कौन सा लेना चाहिए और आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप है ना इन दोनों में से किसी एक को परचेस कर सकते हो। हालांकि दोनों ही अच्छे हैं, बट यूज़ क्या होता है ना वो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। ठीक है, तो गाइस पहले कंट्रोलर का नाम है SP108E। ठीक है, अभी इस कंट्रोलर में क्या खासियत है वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ। तो ये जो कंट्रोलर है वो 2000 LED को कंट्रोल कर सकता है। दूसरी बात कि ये वाईफाई से ऑपरेट होता है। तीसरी बात, इसमें जो इफ़ेक्ट्स है ना वो तकरीबन 280 इफेक्ट है इसमें। ठीक है, 280 इफेक्ट है और इसमें है ना डेटा और क्लॉक का भी पॉइंट दिया हुआ है। तो ये जो क्लॉक है ना उसके बारे में मैं डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा कि ये बहुत सारे कंट्रोलर में रहता है तो उसका एक यूज़ है। तो आप लोग चाहते हो कि ये जो है उसके भी मैं वीडियो बनाऊं तो कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताना। और ये जो कंट्रोलर है ना 5 वोल्ट से लेके 24 वोल्ट तक आप है ना उसको कंट्रोल कर सकते हो। तो सपोज आपकी जो पिक्सल है ट्रिप वो 12 वोल्ट की है तो भी इस कंट्रोलर से चलेगी, 5 वोल्ट की है तो भी चलेगी। ठीक है, क्योंकि जो उसके वोल्टेज है वही उसको आपको देने होते हैं। ठीक है, जो LED के वोल्ट होते हैं वो, तो ये खासियत है उसकी। और इसके पर ये कोड भी दिया हुआ है, QR कोड, तो आप स्कैन करके डायरेक्ट उसकी एप्लीकेशन जो है वो इंस्टॉल कर सकते हैं। और बात कि ये जो कंट्रोलर है वाईफाई भले ही है लेकिन ये जो कंट्रोलर है उसको इंटरनेट की कोई भी आवश्यकता नहीं है। तो आप टेंशन मत लेना कि भाई इसको इंटरनेट चाहिए। ठीक है, और अगर बात करें हम प्राइस की तो इसका अभी जो प्राइस है ना वो बिल्कुल शॉकिंग है। जब आप दूसरे से मैं कंपेयर करूँगा तब देखना, बहुत शॉकिंग प्राइस है। इसका प्राइस है तकरीबन यार 1800 रुपये है। भाई क्या बात कर रहे हो, 1800 रुपये! ये मैं ज़्यादा क्यों बोल रहा हूँ कि जो हमारा नेक्स्ट दूसरा कंट्रोलर है उसके बारे में जब आप जानोगे तब पता चलेगा। तो ये उनकी खासियत मैंने बता दी। ठीक है, अभी उसके अंदर जो कुछ भी था मैंने एकदम परफेक्टली बता दिया है। ठीक है, अभी हम सेकंड वाले कंट्रोलर को देखते हैं जिसका नाम है SP107E। ठीक है, अभी ये जो कंट्रोलर है ना ये भी 5 से लेके 24 वोल्ट 24 वोल्ट तक ऑपरेट होता है और यहाँ भी 280 इफेक्ट है सेम उसमें। ठीक है, लेकिन इसमें ना फ्रेम रेट भी होता है, मैं आपको बता दूँ। जैसे हम मोबाइल अनबॉक्सिंग करते हो उसका वीडियो देखा है तो उसमें फ्रेम रेट वगैरह बता दे कैमरा का। ठीक है, तो इसमें भी यार फ्रेम रेट होता है और वो आप कंफ्यूज हो गए कि भाई इसमें कहाँ फोटो खींचना है फ्रेम रेट। लेकिन ये है ना अब जब इफेक्ट चल रही होती है तब आपको पता चलेगा रिफ्रेश रेट क्या होता है, फ्रेम रेट क्या होता है। तो इसमें ये ज़्यादा होता है उसके मुकाबले। ठीक है, और उसमें क्या सिस्टम दिया हुआ है, क्लॉक का भी इसमें है फंक्शन, तो क्लॉक उसमें भी था तो सेम टू सेम है। लेकिन इसमें है ना यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे तो ऑक्स का केबल दिया हुआ है इनपुट, इसका मतलब क्या है। और यहाँ पे भी देख सकते हो आप म्यूज़िक वेव्स के सिंबल दिए हुए, उसका स्टिकर दिया हुआ, तो इसका मतलब ये है कि ये जो है ना साउंड से ऑपरेट होता है। मतलब आप मोबाइल में सॉन्ग बजाओगे तो उसके साथ जो भी LED ट्रिप है ना वो डायरेक्टली उसके इशारे पे मतलब फॉलो करेगा उस साउंड को। ठीक है, तो बहुत सारे उसमें भी एक्स्ट्रा इफेक्ट दिए हुए, तकरीबन 25 से ज़्यादा इफेक्ट है उसमें, बहुत है। उसका कस्टमाइज भी कर सकते हो आप उसमें। ठीक है, तो बहुत सारी अच्छे फीचर है। और ऑक्स के अलावा उसके अंदर इनबिल्ट माइक्रोफोन भी दिया हुआ है, तो आप है ना माइक्रोफोन के ज़रिए भी उसको आप कर सकते हो और डायरेक्ट ऑक्स में जब केबल डाल दोगे तब भी ये ऑडियो को सपोर्ट करेगा, वर्क करेगा। और अगर बात करें इसकी प्राइस की तो प्राइस है उसकी 1600 रुपये। ठीक है, तो गाइस अभी हम देखें यार अमेजोन या फिर ऑथर को वेबसाइट पे तो ये जो है ना कंट्रोलर SP108 उसकी प्राइस ज़्यादा है। हालांकि उसमें म्यूज़िक का भी ऑप्शन नहीं है, बहुत सारे फीचर कम है। तो इसमें बहुत फीचर अच्छे अच्छे हैं, म्यूज़िक का भी ऑप्शन मिल जाएगा, तो भला हम ये क्यों लें। ठीक है,
तो ये चीज़ है। तो अभी आपको कंफ्यूजन दूर हो गया होगा कि यार कौन सा कंट्रोलर लेना चाहिए। तो दोस्तों इन दोनों की लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, तो आप लोग चेकआउट करो, उसमें आपको ज़्यादा एक्सपीरियंस हो जाएगा। लेकिन मैंने जो हकीकत है ना वो आपके सामने रख दी है, और मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ यार बहुत, 1 साल से यूज़ कर रहा हूँ दोनों को, मतलब बहुत बढ़िया है, दोनों अच्छे हैं, ठीक है। और हाँ, ये जो है ना, मैं भूल गया कि ये ब्लूटूथ से ऑपरेट होता है और वो वाईफाई से होता है, इतना डिफरेंट है। लेकिन आप है ना टेंशन मत लो, वाईफाई से कहीं गुना ज़्यादा अच्छा ऑपरेटिंग होता है ब्लूटूथ से। ये कभी कभी कनेक्टिविटी छोड़ता है, ये कभी नहीं छोड़ेगा। तो ये एक अच्छा ऑप्शन है यार, ब्लूटूथ मतलब कनेक्टिविटी के लिए बहुत बढ़िया मुझे लग रहा है, ठीक है। तो ये था, और ये मेरा एक्सपीरियंस था यार 1 साल का, 1 साल से मैं इनको ऑपरेट कर रहा हूँ। तो दोस्तों अभी आपकी कन्फ्यूज़न दूर हो गई होगी, और हमारी ईम जो है वो 200 लाइक की है, तो यार थोड़ा मोटिवेशन हो जाएगा, लाइक ज़रूर कर देना वीडियो को, ठीक है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो सबसे पहले वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और हमारे चैनल पर अगर आप नए माने तो चैनल को सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइबर है तो बेल का आइकन ज़रूर दबा दीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसे नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।